पापा, मैंने अशर से बात की है, वो खैरत से निकाह के लिए राजी है। इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो खैरत, मुंह के बल गिरोगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस रिश्ते से इनकार करो और अपने स्टैंडर्ड का कोई लड़का ढूंढो और इससे शादी करो। तुम जैसी मामूली लड़की की तरफ वो देखे भी नहीं, दोस्ती भी ना करे, बीवी बनाएगा वो तुम्हें, शादी करेगा तुमसे। मम्मी, आपने जिंदगी भर मामू से कभी कोई मदद ना ली, बड़ी खुददारी से जिंदगी गुजारी, फिर मेरे लिए ये जिल्लत क्यों? क्यों मैं बिन मांगे बिन चाहे अशर की जिंदगी में धकेली जा रही हूं? नहीं अम्मी, मुझे ये गवारा नहीं, अगर फिर मैं क्या करूं? अशर, हाँ, मुझे अशर से बात करनी चाहिए, यही बेहतर होगा। रजा, मैं इनकार करना चाहता था यार, लेकिन डैड ने इस तरह मुझसे रिक्वेस्ट की कि मेरे मुंह से ना निकल ही नहीं पाई। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जिसके साथ मैं अपनी सोच, अपने ख्यालात सब कुछ शेयर कर सकूं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल सके। लेकिन मेरी कजन तो इतनी बैकवर्ड है, आई डोंट इवन नो उसकी नेचर कैसी है यार। खैर, अभी पप्पो की तबीयत खराब होने की वजह से डैड इतनी टेंशन में है कि उनसे बहस करना फजूल है यार। लेकिन रजा यार, मुझे तो सोच की टेंशन हो रही है, मुझे सोच की उलझन हो रही है, क्या कि मेरी शादी इस लड़की से होगी तो ये शादी एक शादी नहीं होगी, मेरे लिए एक सजा होगी। खैरत कहाँ रह गई थी बेटा, दो घूंट पानी पिलाओ, गला खुश कर। क्या सोच रही है? मैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने मेरी शादी का फैसला जल्दी में किया? मामू और हमारी फैमिली का कोई मैच नहीं है। नहीं बेटा, वो मेरा भाई है और खानदानों में मैच का भला क्या सवाल। मम्मी, आप ही तो कहा करती हैं रिश्ते नाते बराबरी के लोगों के साथ किए जाते हैं, आपने मामू से मेरे रिश्ते की बात करके ठीक नहीं किया। मैं, मुझे बहुत इंसल्ट महसूस हो रहा, कभी भी मैं एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं, अगर अब मैं आपको बहुत छोटा महसूस करती हूँ। क्यों, तुझसे किसी ने कुछ कहा है बेटा? किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन प्लीज मुझे एक ऐसे इंसान की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल ना करें जिससे मैं स्टैंडर्ड, एजुकेशन, स्टेटस हर चीज में कम करूं। और अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि अशर ने मामू के दबाव में आके इस शादी के लिए हाँ की। नहीं बेटा, बसीरत के साथ फरीदा ने खुद आकर मुझसे तुम्हारे निकाह की बात की है बेटा, और अशर भी तो मिला था मुझसे आज शाम आकर। फरीदा और अशर
दोनों को बेटा, इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। अम्मी आप हर चीज को इस अंदाज से देखिए जिस तरह आप देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें वैसी हों जैसे नजर आए। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, और तुम्हारी नाखुशी की वजह तुम्हारी ईगो है। मैं माँ हूँ तेरी, तुझे तुझसे बेहतर समझती हूँ, और वैसे भी तुझे खुददारी और इज्जत नफ्स को हर चीज पर फोकियत देने का सबक मैंने ही पढ़ा है। लेकिन बेटा, इसको मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ ले और मेरा आखिरी हुक्म समझ ले। जिस तरह उसने अशर को पता नहीं क्या क्या कह के मनवाया है ना, क्या बताऊं। तो कुछ करो फरीदा, क्या मियां के डर से अपने बेटे को कुर्बान कर दोगी? मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। सारा कैसी है, कई बार दिल चाह के आके मिलूं उससे, लेकिन हौसला ही नहीं हुआ। मैं तो खुद परेशान हो गई फरीदा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। वो लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है, सब कुछ छोड़ दिया है उसने अशर के पीछे। ना कुछ खाती पीती है, ना अपने कमरे से निकलती है, ना अपने कोई होश है, ना चीजों की कोई परवाह है। आज भी गाड़ी लेकर निकल गई है, मैं पूछती रह गई हूँ कहाँ जा रही हूँ, जवाब ही नहीं दिया। बसीरत ने तो अशर पर से मेरा हर हक छीन लिया, जैसे वो सिर्फ उसी की औलाद है। मुझे बसीरत से ऐसी तवक्को नहीं थी। एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ भेज दो। सुनो, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, सारा इधर आ गई है। शुक्र है तुम्हारे पास आई है, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। प्लीज फरीदा, उसको समझाओ, उसे संभालो, मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रही वो। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ ना, तुम रुको। आओ। अरे सारा, तुम, मैं तो कल से तुम्हें याद कर रही थी। शुक्र है खाला की याद आई, आओ ना। फरीदा आंटी, ये क्या हो रहा है आपके होते हुए, ये क्या हो रहा है? बैठो ना, बात करते हैं, बैठो बैठो। वो बेचारी सी खिरल, जिसको पहली दफा मिलने पर मैंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, आप उसे अशर की बीवी बना रही है? आप ऐसा कैसे होने दे सकती है मेरे साथ? सारा, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो। थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आ रही है। अशर और खैरत की शादी तय हो चुकी है, तुम्हारे अंकल उनके अगले जुमे निकाह पढ़वा रहे हैं, और साथ साथ सख्त लहजे में उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने कुछ भी किया ना इस शादी को रोकने के लिए, तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। और मेरी फीलिंग्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? आप जानती हैं मैं अशर से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। सारा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं भी तो इस शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकती। सारा, मैंने जिस तरह दिल पे पत्थर रख के शादी एक्सेप्ट किया ना, तुम भी उसे एक्सेप्ट कर लो। शायद तुम्हारी और अशर की शादी तुम्हारी किस्मत में ही है। कहाँ जा रहे हो, बात तो करो। सारा,
मिस फैरे को खैरत से निकाह कर रहा। सारा तुम रो रही हो, कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ वो छोड़ो, मेरी बात का जवाब दो। तुम खैरत से निकाह कर रही हो? सारा, डैडी ने मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। मैं ये निकाह करने पे मजबूर हूँ। सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आ रही है। अशर और खैरत की शादी तय हो चुकी है। तुम्हारे अंकल उनके अगले जुमे निकाह पढ़वा रहे हैं। सारा, डैडी ने मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। हेलो हेलो सारा, हेलो अशर, सारा ये क्या करने जा रही थी? तुम अगर मुझे फोन ना करते मुझे तो जुबान तक पता भी नहीं चलता। I tried to think of it.
आंटी अब तो सारा बच गई है। अल्लाह का शुक्र हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए। अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि उसकी जिंदगी खतरे से बाहर है। लेकिन अशर उसने कोशिश तो की ना अपनी जान लेने की, पूरी तैयारी पूरी प्लानिंग के साथ जैसे बचाती थी कोई उसे ना बचा सके। मेरी बेटी क्यों इतनी हार गई अपनी जिंदगी से? आंटी फिक्र की कोई बात नहीं है, आप आराम करें, सारी रात नहीं सोई आप बैठे, मैं आपके चाय लेके आता हूं। जी उठ गई हैं आप? अब ज़रीना आंटी जरा मुझे बताइए कि हम दोनों ने मिलकर इसके साथ क्या सलूक करना है। सारी रात डर के जागते रहे हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं और आपका कितना ख्याल करते हैं, उसके लिए ये सब कुछ करने की जरूरत थी? सारा प्लीज मुझसे बात तो करो। क्यों बचाया तुमने मुझे? मैं मरना चाहती थी। Why did you save me? सारा क्योंकि तुम मेरे लिए अहम हो, दोस्त हो मेरी तुम। What were you thinking? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए शर जिसमें तुम ना हो। खैरत के साथ निकाह कर लो, तुम्हारी उससे शादी हो जाए, मैं ये देखने के लिए जिंदा रहूं। सारा, I respect your feelings, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो। एक ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि मैं ना नहीं कर सकता था। सारा, मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तुम भी कर लो प्लीज मेरी खातिर। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, जानती हूँ जिस तरह मैं तुम्हें चाहती हूँ तुम मुझे नहीं चाहोगे, लेकिन उससे मेरी मोहब्बत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अशर, can't you understand that? तुम्हें नहीं समझ में आता, you don't get it? प्लीज सारा, प्लीज खुद को संभालो सारा, प्लीज। सारा, अगर तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत करती हो तो वादा करो कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। सारा, मैं वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा डैड से फिर बात करने की, उन्हें समझाने। सारा, अगर मेरे पास में होता मैं तुमसे फौरन से पहले शादी कर लेता। इतनी अच्छी दोस्त हो तुम मेरी, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज स्टॉप कर। जी डैड। नहीं डैड, वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं हॉस्पिटल आया था।
क्या तबीयत खराब होगी उनकी? नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूं। ओके। अशर बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पापा की तबीयत अच्छी नहीं है, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जुमे तक इंतजार नहीं कर सकते, हमें आज अभी इसी वक्त निकाह पढ़ाना होगा। क्या मतलब निकाह हो गया है? ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात को? नहीं तो अशर खुश तो नहीं हो सकता ना ऐसा निकाह किए जाने पर। I can't believe it, फरीदा। वसीर भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? फरीदा, मैं भी नहीं बात कर सकती। मैं इस तरह फोन पे नहीं बात कर सकती। ठीक है, मिलूंगी तो बात करूंगी। सारा, मेरी बात सुनो प्लीज। मामा, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। सारा, फिक्र मत करो मामा, ना करूँ जो आई थी इस टाइम। मैं जानती हूँ मन्ना भी मेरे नसीब में नहीं। सिर्फ थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। कुछ नहीं कर सकता था, प्लीज सारा, जब तक मैं घर पहुंचा हूं तब तक। नहीं, क्यों किया शेर? सारा प्लीज मत रो। सारा, मामू, अम्मी, मामू, अम्मी, 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 मामू, मम्मी, मम्मी।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी प्लीज आपकी सारी बातें मान गई अम्मा की खोले प्लीज उम्मी मामा खैरत सो रही जी सर। अच्छा है ये ले। सोती रहे तो अच्छा है। सारी सारी रात रोती रहती है, पता नहीं कल कब तक रोती रही होगी। अशर का है? काम से गया है। इतनी सुबह सुबह? मुझे खैरत की फिक्र रहती है। आपा के इंतकाल को 15 दिन हो गए। दिन ब दिन डिप्रेशन में चली जा रही है। जाहिर है इतना बड़ा सदमा है, इतनी जल्दी तो नॉर्मल नहीं होगी ना, वक्त लगेगा। फरीदा तुम कोशिश करो, शायद तुम्हारे समझाने से वो नॉर्मल हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन
उसने एक मां खोई है और मां की जगह कोई नहीं ले सकता। वक्त लगेगा। तुम खैरत के पास गई थी? बसीरत, क्या मैं इतनी सख्त दिल हूं कि एक बच्ची से उसकी मां छिन जाए और मैं उसके पास जाऊंगी भी नहीं? हाँ, मैं गई थी उसके पास। नहीं नहीं फरीदा, मेरा कतई ये मकसद नहीं था। एक्चुअली तुम आज तक अशर और खैरत की निकाह वाली बात पर। हाँ, मैंने उस वक्त इस निकाह की मुखालफत की थी। मुझे पता था कि मेरे बेटे के साथ जबरदस्ती हो रही थी और मैं अपने बेटे के लिए लड़ी थी। बेटे के लिए लड़ना एक मां का फर्ज बनता है। लेकिन फरीदा, उस दिन गुस्से में आके मैंने तुम्हें जो कुछ कहा वो मुझे तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने उस रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा आप पे और हमारे रिश्ते पे जो भरोसा था, जो यकीन था, आपने एक लम्हे में खत्म कर दिया। एक सेकंड में आपने अपनी जिंदगी में मेरी हैसियत जीरो कर दी। एक पल में आपने मुझे अपने आप से इतना दूर जाके खड़ा कर दिया। I'm sorry. I'm really very sorry. मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त। यकीन जानो मुझे बहुत दुख है अपने उस रवैये का। सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी। अंदर आ सकता? इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हम खड़े क्यों हैं? आप बैठते हैं। छुट्टी वाले दिन इतनी सुबह सुबह कैसे? क्यों तुम्हें बुरा लगा? मुझे तुम्हारा आना कभी बुरा नहीं लग सकता आशा। नाश्ता किया? सारा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो तुम निकाल सकती हो। माय फ्रेंड यार। अशर, मैं चाहूं भी तो तुम पर गुस्सा नहीं आता। ये बस में ही नहीं है। मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। दोनों साथ नहीं करें? मैं बोलकर आती हूँ।